नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये क्लास पढ़े रहती है रोज़ 8:30 बजे। तो जो लोग न्यू मेंबर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है भैया, तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पर डे हमारी क्लास रहती है। पुरुषोत्तम भाई राम राम, सभी को राम राम। और सीखते रहिए, समझते रहिए। जो लोग हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जो गूगल मीट की हमारी क्लास होती है उसमें आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, आज पहले निफ्टी से शुरू कर लेते हैं। निफ्टी का हमने सुबह सुबह एक पुट साइड की एंट्री ली थी, स्कैल्पिंग करी थी 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, बाकी आप लोग अगर सिंपल सा डंडा झंडा लगाना सीख गए तो बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। आप ऐसे ड्रॉ करना सीख जाओ, जैसे कहीं पर भी मैं क्या देखता हूँ, जो भी मोमेंट होती है उसको एक चैनल में फंसाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमको चैनल तो दिख रहा है, चैनल के साथ में क्या दिख रहा है, हमारा ये पुल बैक हो गया है ना। तो पुल बैक ये हो गया जब, और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि चैनल को ब्रेक करके आज गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन हुआ, हमने ऊपर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगा रखी थी 500 के लेवल पे, इसके आसपास गया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वो नीचे आ गया। ठीक है, अब जब नीचे आया तो हमको नीचे आने का, हालांकि हमने पुट साइड एक स्कैल्पिंग करी थी, यहाँ पे नीचे आया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारे लिए जब भी इस तरह का सेटअप बनता है, यही सेटअप तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमको एंट्री कहाँ करना है, पुल बैक एंट्री करना है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या लगाओ, आपका ये SL पॉइंट लगाओ और जैसे इसके ऊपर निकलता है यहीं पे ट्रेड मार दो। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में नहीं मारा है तो ये छोटी सी कैंडल आपको दिख रही है जो कि इनसाइड कैंडल है ना। इनसाइड कैंडल पे आपने ये डंडा लगाया और ये डंडा लगा के आप कॉल साइड बस ट्रेड मार दो, है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ सिखा सकता हूँ। अगर आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि मैं आप लोगों को कॉल टिप प्रोवाइड करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं देता हूँ, है ना। तो आप लोग बस सीखते रहो, समझते रहो। जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह की मूवमेंट होती दिखाई दे, आप उसको क्या करो, एक चैनल में फंसाना चालू कर दो। अब जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको यूं यूं ड्रॉ कर लो। अब कल के लिए बता रहा हूँ, है ना। कल के लिए क्या हो जाएगा कि अब ये हमने इसको एक चैनल में बांध दिया है। ठीक है, ये चैनल के अंदर हमने इसको फंसा लिया है। अब मार्केट जहाँ पे ओपन होगा कल, एक बार गिफ्ट उसको गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, उससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट आफ्टर ऑल हमारा ओपन किस लेवल पे होने वाला है। तो ये 15:15 की कैंडल है और 15:10, 15:25 यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था। ठीक है, आज का मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है और उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट अभी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्लैट ओपनिंग दिखाएगा। अगर ये नीचे साइड आएगा तो डाउन साइड ओपन होगा, डाउन साइड ओपन होगा तो ये यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब जब हमने इस चैनल को ये ड्रॉ किया, मान लो ये डाउन साइड ओपन होता है, एक एग्जांपल के लिए मान लो ये डाउन साइड ओपन हुआ, डाउन साइड ओपन होने के बाद ये ऐसे नीचे आया और नीचे आके थोड़ा सा इस तरह का कुछ पुल बैक करता है, इस तरह की कंडीशन बनाती है, तो हमारा यहाँ पे अब डाउन साइड का ये पुल बैक एंट्री हो जाएगी, जिसको हम उल्टा एन बोलते हैं ना। तो ये इस तरह के लेवल पे हो सकता है। अब मान लो कहीं मार्केट यहाँ कहीं ऊपर ओपन हो जाता है, इसी चैनल के अंदर अगर ओपन होता है तो हमको तब तक वेट करना है जब तक कि इस चैनल के आर या पार नहीं निकलता। मतलब चैनल को ब्रेक करने के बाद अगर नीचे साइड ब्रेक करता है तो हमको ये पुल बैक एंट्री देखना पड़ेगी इस तरह की, रिटेस्ट करके नीचे आएगा तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। और अगर ये ऊपर निकल जाता है तो ऊपर भी अगर इस लेवल को निकालता है, इस डंडे को निकालता है इस चैनल को ब्रेक करने के बाद, तो ये ऊपर जाके इस तरह का फिर पुल बैक करेगा,
तो फिर हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, है ना। कल ये आप लोगों को एक रूल बुक प्रोवाइड की थी, प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उसमें एक पेज में ये इस तरह का मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है कि हमारी एंट्री, ये वाली एंट्री बहुत सेफ़ होती है। जहाँ कहीं पर भी आपको ये पुल बैक एंट्री दिखाई दे जाए, वहाँ पे आपका ट्रेड फुल कंफर्मेशन के साथ एग्जीक्यूट होता है। और जब कभी आप लोग इस कंडीशन में ट्रेड मारो तो कम से कम 2 से 3 कैंडल का प्रॉफिट खाओ ही खाओ, कम से कम 2 से 3 कैंडल का प्रॉफिट खाओ। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो की बात चल रही है, हाँ अगर आप होल्ड कर सकते हो, आप में होल्ड करने की क्षमता है, तो आप लंबे प्रॉफिट भी खा सकते हो। जैसे आज वन वे मार्केट था, आज बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया, भांग धतूरा खा के आया था कि आज वो कहीं पे नीचे आया ही नहीं। जहाँ पर भी देखा आपने तो डंडा लगा के बस ट्रेड मारना था, जहाँ पे भी आप देखोगे बस आपको डंडा ही लगाना है। ये भी हमारा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा हुआ है, हमने इसको चैनल में यहाँ पे फंसा रखा, ठीक है। चैनल को अब गैप अप ओपन हुआ, इस तरह गैप अप ओपन होके ये नीचे पुल बैक किया और यहाँ पे हमारा एंड कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड मार सकते हो। अब ट्रेड मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर ये नहीं भी ड्रॉ कर पा रहे हो तो सीधा सा फंडा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाओ, डंडा उठाओ और यहाँ पे ये बना लो, जैसे ब्रेक करे ट्रेड मार दो। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, इनसाइड कैंडल बोलता हूँ मैं इसको, है ना। अगर यहाँ पे नहीं मारा है तो इस कैंडल में ट्रेड मार दो और बने रहो, फिर नेक्स्ट जैसे चलता है तो धीरे धीरे मार्केट इस तरह हर जगह आपको ये डंडा ही बनाते गया है और ट्रेड आपका बनता गया है। बहुत सारे ट्रेड आप चाहो तो ऐसे स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, हर जगह डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ परियोजना जो हमारी चालू हो जाती है, आप लगाते जाओ बस प्रॉफिट कमाते जाओ, है ना। तो या तो ये कर सकते हो, या तो फिर आपको जो रूल बुक कल मैंने प्रोवाइड की है, जो प्रीमियम मेंबरशिप है सिर्फ उनके लिए प्रोवाइड की गई है, उसमें क्लियरली एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी मार्केट वन वे ऊपर जा रहा हो तब आपको क्या करना है, वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देखना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या सोच के बैठे रहे होंगे कि अब मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया है, अब ये पलटेगा, अब ये नीचे आएगा, पुट साइड की एंट्री यहाँ पे ले लिए होंगे, यहाँ पे नहीं लिए तो यहाँ पे ज़रूर इन्होंने सोचा होगा कि पुट साइड की एंट्री बन रही, क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया इस लेवल से, किस लेवल से भैया, कहाँ गया भाई, इस लेवल से मार्केट ने पूरा इतना मूवमेंट कर दिया है 400-500 पॉइंट का, तो अब ये गिरेगा। एक्सपेक्टेशन पहले से आप होप ट्रेडिंग कर लेते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोमो एंट्री भी बोलते हैं ना। तो आप लोग फोमो एंट्री मत किया करो, होप ट्रेड मत किया करो, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है आपको, साथ में जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है उस पे परफॉर्म करना है। आप लोगों को क्लियरली बोल रखा है कि जो भी हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 49,000 का ये जो लेवल है, ये हमारे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपने अगर यहाँ पे 49,000 के लेवल पे ये डंडा लगा रखा है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट रुकेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, मतलब घोड़ा यहाँ से चलते चलते ये आया घोड़ा और यहाँ तक आके वो थक चुका है ना। यहाँ पे आपको एक एंट्री दिलाई उसने, यहाँ पे घोड़ा थोड़ा थका, घोड़ा थोड़ा घास खाएगा, घोड़ा जब घोड़ा घास खा के पावरफुल हो गया तब फिर ये ऊपर भागेगा, दौड़ लगाएगा, है ना। तो आप लोगों को वो रूल बुक अगर चाहिए तो प्रीमियम मेंबरशिप ले लीजिएगा, प्रीमियम मेंबरशिप वालों के लिए ही वो रूल बुक और वो वीडियो जो कल मैंने अपलोड किया है उन्हीं लोगों को मिलेगा, है ना, वही उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, बाकी सब लोगों को दिखाई नहीं देगा वो, ठीक है। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है तो आप वहाँ पे रेजिस्टेंस मत देखो, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लो, यहाँ पे सेटअप बना आपका, देखो वन वे आपका 400 पॉइंट गया हुआ, वन वे कहीं पे भी आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही क्या, यहाँ से इस लेवल से, और ये तो हमारा पूरा सेटअप है, आप यहाँ पे भी क्या लगा लो, चाहे डंडा लगा लो, चाहे बॉक्स बना लो, जो बनाना हो बना लो, आपका ये कहाँ गया भाई, ये आप यहाँ पे बॉक्स बना लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही तो ये लो, ये बॉक्स को ब्रेक करे घुस जाओ, ठीक है। अब अगर बॉक्स नहीं लगा रहे तो आपका इस हिसाब से एक ये डंडा भी लग रहा है, यहाँ पे आपको स्ट्रांग बुलिश कैंडल चाहिए डंडा लगाने के लिए, स्ट्रांग बुलिश कैंडल मिल गई है और जैसे इसको ये ब्रेक करता है तो आप घुस जाओ ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है। आप अगर डंडा लगाना सीख गए हो तो आपका लॉस नहीं होना है,
हाँ साइडवेज मार्केट में आप डंडा लगाने की कोशिश करोगे तो फिर वो तो लॉस होना है ना। तो आज जो है बैंक निफ्टी में गांव वाले का डंडा चला है और हर जगह आपका डंडा झंडा ही चलता गया है। हर जगह आपकी एंट्री डंडा लगा लगा के ही हो रही है, डंडा लगा लगा के ही हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों को कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ जिसका नाम है मूविंग एवरेज। इसकी सेटिंग भी देख लेना जिनको ना पता हो, तो ये मूविंग एवरेज में यहाँ पे इसकी सेटिंग कर देता हूँ, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये आप लगा लिया करो। यहाँ पे सेटिंग आपको करना है 30 कर देना, यहाँ पे 30 करने के बाद यहाँ पे SMA की जगह EMA कर देना और यहाँ पे 30 कर देना, बस और कुछ नहीं करना। ये आपका 30 EMA के सहारे चलता जा रहा है। जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक वो बुलिश है, इसके नीचे आएगा तो फिर वो एक बार सोचेंगे हम। ठीक है, तो आपको जब ये इंडिकेटर यूज करोगे ना तो इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस 30 EMA के ऊपर ही सेटअप बना रहा है, कोई भी सेटअप बना रहा है, बस आप सेटअप बने मारते जाओ ट्रेड। नहीं आपकी ज़्यादा अगर ये हो रही है कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो मैं एक ही ट्रेड को कंटिन्यू करूँगा तो ठीक है। अगर आपकी हिम्मत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल कर लोगे आपकी इमोशंस को, तो आप चलने दो। आज भैया बहुत सारा यहाँ पे इस लेवल पे क्या चल रहा है, 48,368। अब अगर यहाँ पे देखो जिसकी एंट्री हुई, मान लो चलो 48,400 की कॉल देखते हैं, है ना। तो 48,400 की कॉल आपकी किस लेवल पे गई है वो देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई है। 48,400 की कॉल तो कहाँ गया 48,400 हमारा, 48,400 ये रहा। 48,400 की कॉल देखो 1,100 के लेवल पे चल रही है ना, और स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी वो भी देख लो, हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी एंट्री इस लेवल पे 243 के लेवल पे अगर यहाँ पे हुई तो आपका ये थोड़ा सा ऊपर नीचे गया। ये मेन जो सेटअप बना है कहाँ गया भैया 29 तारीख, अच्छा यहाँ से 15 मिनट में है। ओके, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री यही हो जानी है जो कि आ रहा है 250 270 280 के लगभग, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। और यहाँ से 280 भी अगर लेते हैं तो 280 की चीज़ आपकी कहाँ पे हाई कितना लगाया इसने, 1,142। अब 1,142 में अगर 280 आप माइनस करते हो तो 1,142 कहाँ गया भाई, -280 कर दो तो आपको 862 रुपये। अगर आपने एक लॉट भी लिया है तो 15 × 862 करोगे, मतलब 12,930 रुपये, 13,000 रुपये प्रॉफिट का। आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता, इन्वेस्टमेंट 15 × 280 कर दो, 280 तो आपका इन्वेस्टमेंट होता मात्र 4,200 रुपये। 4,200 रुपये लगा के आप 13,000 रुपये कमा रहे हो प्रॉफिट, कितने गुना हो गया भाई, 4×12 3x पैसा हो गया आपका। तो हालांकि इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा होल्ड कर नहीं पाता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। हाँ कल की जो रूल बुक मैंने आप लोगों को शेयर करी है, उस रूल बुक में एक जगह आप देखोगे तो ये भी लिखा हुआ है कि दो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो। दो स्ट्राइक प्राइस कौन से सेलेक्ट करना है, एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो कि जिसको आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो, जिस पे आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट आपको मोमेंट दे रहा है आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। दूसरा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके रखो जिसको आप दूर तक ले जाना चाह रहे हो, होल्ड करना चाह रहे हो। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक लाइन रूल बुक में ऐसी भी लिखी है कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लॉट मारे तो 10 लॉट आपने मारा था, 10 लॉट में आप 8 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लो, 8 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लो और 2 लॉट चलने दो कंटिन्यू। जहाँ तक मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको लग रहा है कि अभी ये रिवर्सल नहीं लेने वाला है, तो आप कंटिन्यू चलने दो। कल की रूल बुक पढ़ लेना भैया, जो जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनको वो रूल बुक मिल चुकी है। पासवर्ड ले लेना मेरे से, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो रूल बुक। और वीडियो भी देख लेना, वीडियो में भी सेम चीज़ें ही बताई गई हैं। ये चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका लॉस नहीं होना है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, खास बात, सेबी का डाटा क्या कहता है कि 90% लोग लॉस में हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बायर लॉस पे है 90%, 10% लोग ही प्रॉफिट में हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि
क्योंकि जिस दिन आप लोगों को प्रॉफिट होना होता है या जिस दिन मार्केट आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है, उस दिन आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हो, और जिस दिन मार्केट आपसे लॉस लेता है उस दिन आप बड़ा लॉस लेते हो। बस इतना ही अंतर है, आपको उल्टा कर देना है। जिस दिन लॉस हो रहा हो उस दिन छोटा लॉस लेके निकल जाओ, फिर ट्रेड मत करो, और जिस दिन मार्केट आपको फुल प्रॉफिट दे रहा है तो पूरा प्रॉफिट खाओ। तो आप आफ्टर ऑल आप क्या करोगे, जब ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपने 4-5 दिन कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट किया, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। अच्छा, किस किस के साथ होता है ऐसा, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि भैया ऐसा किस किस के साथ होता है। क्या होता है कि जब आप 4-5 दिन छोटा छोटा प्रॉफिट करें, है ना, हफ्ते में मान लो 5 दिन होती है ट्रेडिंग, तो 4 दिन आपने छोटा छोटा प्रॉफिट किया और एक दिन इकट्ठी बड़ा लॉस ले लिया, तो आफ्टर ऑल आप जहाँ थे वहीं आ गए। अब आपकी माइंड साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, आप उसको रिकवर करने जाओगे और लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, हमको इस चीज़ को उल्टा कर देना है, बदल देना है। मतलब अगर मार्केट हमको लॉस दे रहा है तो हम कम लॉस लेंगे, और जिस दिन मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो हम प्रॉफिट को ज़्यादा बड़ा करेंगे। ठीक है ना, जब ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर लोगे ना, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। और हाँ, जितना भी कैपिटल आपके पास है उतना कैपिटल पूरा का पूरा लगाने की कोशिश मत करना कभी भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं लगाने के लिए, तो कभी भी 20,000 रुपये मत लगाना। ठीक है, कभी भी 20,000 रुपये नहीं लगाना है। स्टार्टिंग जो लोग बिगिनर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 लॉट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 1 लॉट में भी अच्छा जब मोमेंट मिल जाता है, चाहे वो निफ्टी की ट्रेड हो चाहे बैंक निफ्टी की ट्रेड हो, आपको 1 लॉट में 2 से 2,500 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट होता ही होता है। अगर आप डरे नहीं, 3 कैंडल का प्रॉफिट अगर आपने खाया तो आपको मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे होता है। ठीक है, अब यही चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। जब वो प्रॉफिट में चल रहा होता है तो उसी कैंडल में घुसते हैं और उसी कैंडल में निकल जाते हैं। 500 का प्रॉफिट दिखा नहीं कि बस भागे, और वही उल्टा जब लॉस हो रहा होता है तो 500 का लॉस, अरे ठीक है शायद पलटे, अरे ठीक है शायद पलटे, ऐसा कर करके ना वो लॉस 1,000 रुपये दिखाएगा, फिर 1,500 हो जाएगा, फिर 2,000 हो जाएगा, तब भी बैठे रहेंगे, कट नहीं करेंगे उसको, इस लालच में कि शायद बढ़े शायद बढ़े। अरे भैया, जो ट्रेंड चल रहा है अगर उसको चलना होता, आगे आपको प्रॉफिट देना होता, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही वही समझ में आ जाता है। ज़्यादा लॉस मत लो, आप ये सोचो वहाँ पे कि आपका जो कैपिटल है उसको आप सेव करो सबसे पहले, कम से कम लॉस लो, उसको बचा लोगे ना जो जा रहा है। अगर उसको आपने बचा लिया तो अगला जो ट्रेड आप मारने वाले हो उसमें काम आ जाएगा ना, है ना। तो आप बोलोगे कि गुरुजी आज सेटअप बताने की बजाय साइकोलॉजी की बात करने लगे। अरे साइकोलॉजी की बात ना करें तो क्या करें, आप लोग करते ही काम ऐसे हो। किस किस के साथ ऐसा होता है कि 4 दिन प्रॉफिट किया और 5वें दिन पूरा गंवा दिया, किस 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 के साथ हुआ है ऐसा बताओ जरा, है ना। तो हमको सिर्फ उल्टा कर देना है कि भैया जैसा भी सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट खाने की और ज़्यादा बड़े लॉस लेने की भी क्षमता रखो तो ही घुसो, अदरवाइज मत घुसो। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपने अगर फॉलो कर ली हैं तो गारंटी देता हूँ आपका लॉस नहीं होना है। हाँ, रूल्स ब्रेक करोगे तो आपका लॉस होगा, रूल्स ब्रेक नहीं करना है सबसे पहली बात। आप लोगों को रूल बुक प्रोवाइड कर दी गई है, वीडियो में भी सब समझा दिया गया है। ठीक है, चलो कमेंट करके अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, आप लोग बता देता हूँ। इसके बाद अगर आप नहीं पूछते हो तो मैं फिर कल के लेवल्स बताने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा हूँ। कल के लेवल्स अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछना है किसी को कुछ? आज तो हर जगह डंडा डंडा ही चला, तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक क्या दिया है कि बैंक निफ्टी पे चला गांव वाले का डंडा। हर जगह आपको डंडा ही लगा दिखाई दे रहा भैया, तो डंडे पे ट्रेड मारा। अगर किसी ने सही जगह ट्रेड मारा होगा तो आज तो जबरदस्त प्रॉफिट छाप के बैठा है, जैसे हमारे शर्मा जी बैठे हैं, है ना। राम शर्मा जी हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर वो घर पे होते तो और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कर पाते। वो एक सुबह प्रॉफिट करके और चुपचाप निकल गए थे कहीं घूमने फिरने, जब 2:30-3 बजे लौट के आए तो वहाँ पे
देखा तो ये वाला मोमेंट शायद उन्होंने कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मोमेंट और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट वाला कैप्चर करने वाला जो मोमेंट था वो यही था आपका 1:20 पे, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि ये 1 वे आप देखो, यहाँ से ले जाके इसने 400 पॉइंट का मोमेंट किया, 400 पॉइंट का मोमेंट 1 वे किया है। अब प्रीमियम के अगर चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे वो मोमेंट दिख जाएगा। ये वो कैंडल है 13:20 की, है ना। यहाँ से आप देखो, यहाँ से चलता हुआ दिखाई दिया, तो ये कहाँ से कहाँ ले जा, सॉरी निफ्टी है, कहाँ गया भाई, तू भी गायब हो जाता है। देखो यहाँ पे ये 750 के लेवल से, अगर छोटा प्रीमियम भी आपने लिया होता, यहाँ पे क्या लेवल चल रहा था आपका, बैंक निफ्टी का लेवल चल रहा है 49,000 का। तो आप अगर 49,000 की कॉल भी देख रहे हो यहाँ पे, 49,000, अरे भाई 49,000 की कॉल है ना, तो देखो 49,000 की कॉल यहाँ चल रही थी 282 रुपये में। अब 282 से ले जाके कहाँ खींच के रख दिया, 528, है ना। कितने पॉइंट मिल गए भैया। तो ये डिफरेंट होता है आप लोगों के मतलब सही जगह ट्रेड मारने में। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सेटअप बना हुआ है, इसको तो मैं बिल्कुल भी छोड़ू नहीं, ये मेरा एकदम फेवरेट कंडीशन है। ये आप लोग भी इसको फेवरेट कंडीशन बना लोगे तो बढ़िया प्रॉफिट करोगे, अब नहीं बनाओगे तो फिर अब क्या करेंगे हम, क्या कहें अब। त्रिनेत्र मान लो, चौपाल मान लो, जो मानना हो मान लो, बस इस तरह की कंडीशन दिखे ट्रेड मार दो, ठीक है। चलो कल के लेवल देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, पहले वीकली पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। वीकली पे तो भैया गजब कर दिया है। चलो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम में, ये ऊपर निकल गया है, आज पहले दिन ही इसने ज़बरदस्त मूवमेंट कर दिया है। आप वीकली के बाद डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज़बरदस्त मोमेंट मिल गया है। और कल का जो लेवल रहेगा वो लेवल थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, कल की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कल अगर यहीं इसी लेवल पे ओपन होता है तो फिर देखते हैं, अभी इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, वहाँ पर हमको चीज़ें थोड़ा और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अगर कल मार्केट सेम लेवल पर ओपन होता है, कहाँ गया पेन, सेम लेवल पे ओपन होता है, यही 380 के आसपास क्लोजिंग बता रहा है ना, इसी लेवल पे ओपन होता है तो हमको वेट करना है एक नीचे आने का। नीचे आपको लेवल क्या मिलेगा, 49,256 का। रुको इसको थोड़ा सा हटाते हैं, एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे, क्या आ रहा है यहाँ पे 253, ठीक है। तो ये आपका 256 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, इस पे नज़र बना के रखना। अगर मार्केट इस लेवल पे आके, इसी लेवल पे ओपन होता है सेम लेवल पे, नीचे आता है और कुछ यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह का मोमेंटम करता है, तो फिर ऑल टाइम हाई पे तो चल ही रहा मार्केट, और ये ले जाके रख देगा। अगला टारगेट इसका ये होने वाला है 49,800 के लेवल पे, है ना। 500 पे थोड़ा सा ये हो सकता है यहाँ पे कुछ रुके, थोड़ा सा कुछ सेटअप बनाए, तो इसका फर्स्ट यहाँ से अगर निकला तो आपका 49,636 आपका ये लगाएगा, 636। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट आपका 800 के लेवल, मतलब 49,700, सॉरी 99 लिखा गया, इसको हटाई देते हैं, 49,777 इसको नोट करना है ना, इस लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है भैया। अब मान लो ये कंटिन्यू ऊपर ही जाने लगा, ओपन हुआ और ये कंटिन्यू ऊपर ही जाता रह गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पुल बैक का इंतज़ार करेंगे, एक यहाँ पे रिटेस्ट करने देंगे, और फिर इस तरह का जब कंडीशन बनेगा तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे ये सपोर्ट का एसएल लगा के और यहाँ पे एंट्री मार देंगे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन आपको देखना पड़ेगी। अब मान लीजिए यहीं लेवल पे ओपन हुआ या कि नीचे ओपन हो गया, तो नीचे ओपन अगर इस लेवल पे होता है 49,256 के लेवल पे, अगर ओपन ही इसी लेवल पे होता है तब भी हम इस पे नज़र बना के रखेंगे, और अगर नीचे साइड का कुछ मोमेंटम करता है तो फिर आपका ये ले जाके रख सकता है 49,055 इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मान लो 49,055 के लेवल पे आने के बाद यहाँ पे कुछ वो सेटअप बनाता है इस लेवल पे कॉल साइड का, तो भी हम रेडी रहेंगे कॉल साइड के लिए, ठीक है भैया। तो जैसा कुछ भी होगा सेटअप पे आपको ध्यान ये रखना है, विदाउट
पुल बैक एंट्री के, विदाउट डंडा के, विदाउट 30 EMA के आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो आपका लॉस नहीं होना है, लिख के ले लो। आप ज़बरदस्ती नहीं घुसोगे ना तो आपका लॉस नहीं होना है। आप लोग क्या करते हो, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हो। अब मान लो मार्केट कहीं पे रुक रहा है और वहाँ पे आप लेवल भी नहीं देख रहे हो, कहीं ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों को सबसे जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, बैंक निफ्टी में 1000 का और 500 का लेवल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ऊपर देखोगे तो ये 500 का लेवल लगा हुआ है जिसको इसने ब्रेक नहीं किया, 400 इधर ले जाके इस लेवल पे रखा है, 460-470 के लेवल पे ले जाके रखा था, लेकिन 500 के लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो 10-1200 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका था। तो हमारे लिए कल के लिए यही इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे मेजर, जो आप लोगों को बताया 49,256, उस पर नज़र बना के रखना। वो दोनों साइड के लिए की लेवल है, वो दोनों साइड के लिए हमको मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। चलो एक बार निफ्टी में तो बैंक निफ्टी को हो गया, कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना। और परसों अपना मार्केट बंद है तो आप लोगों को रूल बुक में ये एक पॉइंट ये भी मैंने डाला है कि जिस दिन हमारा मार्केट क्लोज होने वाला होता है नेक्स्ट डे, अगर ग्लोबल मार्केट ओपन है और हमारा मार्केट अगले दिन क्लोज है, तो फिर आज मतलब कल की बात कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे मोमेंट छोटा मिल सकता है या साइडवेज भी हो सकता है, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अगर हमारा सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो आपको कब पता चल जाता है भैया, 30 मिनट के अंदर पता चल जाता है। मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और 30 मिनट हम वेट कर लेते हैं अगर, तो 9:45 तक हमको पता चल जाता है कि मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है। अगर मार्केट में मूवमेंट रहेगी तो हम ट्रेड करेंगे, मार्केट में मूवमेंट नहीं रहेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कल मंगलवार है और मंगलवार को मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि मंगलवार के दिन मार्केट ट्रैप ज़्यादा करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कल दो एक्सपायरी है एक साथ तो क्या मोमेंट बनता है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी एक बार बोलो तो निफ्टी देख लेते हैं, है ना। तो चलो निफ्टी भी देख लेते हैं। इस चैनल को इसने ब्रेक किया है ना, इस चैनल के ऊपर चल रहा है, जब तक ये 30 EMA के ऊपर चल रहा है इस पे भी हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज वाला वही है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसकी सेटिंग आप लोगों को पता ही है, अभी बता दिया हूँ मैं, है ना। तो ये लगाना सीख जाओ आप लोग और इसको जो है बाकायदा इम्प्लीमेंट करो, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप लोग इसको इस पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये इसके सहारे चल रहा है और इसके सहारे अगर नीचे चल रहा है, नीचे ब्रेक करता है, तो फिर देखेंगे एक कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे। हमारा जो लेवल है ना, ये 600 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 600 के लेवल पे, क्योंकि दो बार इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर सेम लेवल पे ओपन होता है तो फिर कंडीशन देखेंगे क्या बनती है। 30 EMA को अगर ब्रेक करके नीचे साइड आता है, कुछ इस तरह का पुल बैक कुछ बनेगा तो देखेंगे, नहीं तो अपसाइड का ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि अभी इसने ऑल टाइम हाई जो है हमारा बैंक निफ्टी, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, हाँ ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था वो लगाया था यहाँ पे 762-773 है ना, तो ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए ये भी तैयार ही हो रहा है। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, जैसा सेटअप बनेगा वैसा हम फॉलो करके ट्रेड लेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता दें कि एक नंबर नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि टोटली फ्री है, ठीक है। आप उस लर्निंग ग्रुप में जुड़िए और आपके डाउट्स जो हैं हमारी जी मीट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए भैया लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ, जय हिंद जय भारत।